तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगता है। ادارہ تعلیم و آگہی 2000 میں بنا اور بنیادی طور پہ جو تعلیم میں بحران آیا ہوا تھا اور آج بھی ہے اسی کی وجہ سے بنا اور ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک مکمل تعلیم کی تلاش میں چلیں وہ جہاں پہ انسان کی انفرادی اور سماجی تبدیلی کا ضامن تعلیم ہو یہ گلشن ہے ایک پھول ہے یہ بچے سب پھول ہیں اسے جب سینچیں گے جب کملے میں پانی دیتے بچے کو سینچ ماں بڑا کرتی ہے تو اس لیے کہ اس کی خوشبو آئے خوشبو جب پھول لگے گے تب آئے گی نا تو کچھ بچہ بنے گا تو اس کی مہک ہوگی کہ انہوں نے ایک ایسا یہ ایل فور اے لرننگ فور آل کے حوالے سے بنایا اس میں ہمیں اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں ان کو اسکول لانے میں بڑی مدد ملی लर्निंग फॉर एक्सेस में बच्चे आते हैं तो शुरू में स्कूल का माहौल उनको नहीं मिलता है, शुरू में उनको पोएम का माहौल मिलता है, पोएम पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, थोड़ी बहुत मतलब मस्ती करते हैं, जैसे घर का माहौल है। तो वो जो बाहर के बच्चे वो जो आउट ऑफ स्कूल हैं और इन स्कूल का एक दो ग्रुप्स बन जाते हैं, हम उस हिसाब से उनकी दर्जाबंदी करते हैं और फिर उनके लिए एक बहुत मज़े का एक्सेलरेटेड मटेरियल है जो चलो पढ़ो बढ़ो के नाम से है, जिसमें बच्चों को इंटरैक्टिव प्ले वे एक्टिविटीज़ के बेसिस पर उनको मैथ, लैंग्वेज और इंग्लिश जो है बतदरीज सिखाते हैं। मोस्टली हमारे पास प्राइमरी स्कूल हैं तो बच्चे मोस्टली मिट्टी में खेलते हैं या तो फिर चुप करके बैठ जाते हैं ड्यूरिंग ब्रेक, तो हमने इस वजह से उनको एक स्पोर्ट किट दी हुई है जिसमें बैडमिंटन से लेकर लूडो, स्क्रैबल ये सब हमने उनको प्रोवाइड किया हुआ है जो ब्रेक में बच्चे जैसे इंटरेस्ट लेकर उन गेमिंग की तरफ भी आगे बढ़े। एल4 के बच्चे हों, ईसी के बच्चे हों या उसके अलावा अगर दूसरे गवर्नमेंट के क्लासेस में इनरोलमेंट कम होती है तो हमारा यूसी कोऑर्डिनेटर जो है हमारी टीम जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि कोई बच्चा 3 दिन से ज़्यादा मुसलसल एबसेंट है तो फिर उनके साथ पेरेंट कम्यूनिटी मीटिंग करते हैं। एक जो बच्चा था इन स्कूल था पहले वो तकरीबन 2 क्लास या 3 दर्जा वो पढ़कर छोड़ गया था, जब मेरी उसकी मदर से यानी कि मुलाकात हुई थी उनसे मैं मिली थी तो इस बारे में मैंने उनसे पूछा था। अब के स्कूल में नहीं करे सरियो से सा जो गुर्बत भी हुई असान के पढ़ाई भी घट हुई माना एड़े नमूने सा छड़ियो से असान के रेड़े ते बिहार से मजदूरी जला हाँ ॾिसूं पिया कवाह भी कोने का जैकॾहिं इहे मज़ूरी ते बि 30-40 रुपया इहो बि वठूं पहुचे। ठीकु है, आप अपनी जॻह पर सही है, आपकी बेसिक जो नीड है ज़रूरियात है उनको भी हम अपने सामने रखते हैं, उस बच्चे को आप स्कूल ब्राए महिरबानी एनरोल करवाएं और जब तक वो कुछ पढ़ेगा नहीं, कुछ लिखेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा वो बच्चा, आपकी ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने असंखे यो ही चयो त ताजा जे कदे बार न था पढ़न पढ़ाई ना है त असंखे ता बुझायो त अस पढ़ाई जे लासा बैठा हो जे पो अस वे ही करे सलाह कई से मा चो हाने छो ने इनके वरी भी बिहर दाखला वठो बिहर पढ़ायो तो वो भलवा पांजे लाए पढ़े त अजा बेहतर भलवा जे कदे हाने पढ़ाई भी सुठे नमूने से हले थी पई हाने अस जे बार के शौक आप देखे भी मुझे बाबा के ITA वारन चयो त ॿारनि खे मज़दूरी न करायो, ॿारनि खे तालीम करायो। असां उन्हनि पीउ माउनि खे इहो ई चवंदासीं त ॿारनि खे पढ़ाइनि, मज़दूरी न कराइनि, तालीम असां ॿारनि जो हक़ आहे। असांखे हाणे वॾी वॾी ख़ुशी इहा ई थींदी आहे त हाणे मुंहिंजो पुटु पढ़ी करे पास थियो आहे। त हमने इस तरह से पहला क़दम जब स्कूल में रखा
तो हमारी शर्त ये थी कि सिर्फ कच्ची की क्लास नहीं होगी मगर एक उससे पहले भी क्लास कायम करेंगे और वो 2 साल की अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम होगा ताकि एक बच्चे की बुनियाद बने। केदारा तालीम आगाही के साथ जब हमने काम शुरू किया तो उन्होंने एक तो कंप्लीट किट जो होती है अर्ली चाइल्डहुड की, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की, वो हमने प्रोवाइड की, सिलेबस प्रोवाइड किया। सखर में हमारे पास 200 ईसी के सेंटर्स हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं, जिनमें हम ईसी का डिफरेंट फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ईसी में जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं जिसमें चेयर्स होती हैं, ईसी का मटेरियल वगैरह होता है, उसके अलावा हम ईसी पैरा टीचर हायर करते हैं जो लोकली कम्युनिटी से हम लेते हैं। हर इंडिविजुअल फाइल है, हर बच्चे की अलग है, उस पर हम बच्चे की प्रोग्रेस देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है बच्चे की। बच्चे की जांच पड़ताल होती है कि ये बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ वीक एरियाज हैं और कहाँ ज़्यादा हाईलाइट है, तो उन वीक एरियाज को कवर करते हैं। एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा इसी किट दी गई है जिसमें एनिमल्स हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, डॉल्स वगैरह, इन चीज़ों से बच्चे सीखते हैं और बच्चे ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं बजाय, क्योंकि छोटे बच्चे तो किताबें नहीं पढ़ सकते, लिख तो नहीं सकते, तो वो इस तरह बच्चे सीख रहे होते हैं इन चीज़ों की मदद से। अलीरज़ा जब शुरू में यहाँ पर उसका एडमिशन हुआ था लेकिन उसे ख़ुद भी पढ़ाई का इतना शौक़ नहीं था, गली में बस बच्चों के साथ खेलता था, कोई शौक़ नहीं था इसको, अपनी अम्मी छोड़कर जाती थी स्कूल फिर भी भाग जाता था। स्कूल में मज़ो नहीं दो, पढ़ाई सुठी नहीं थी, लवाज दो चेंदो हेडे पढ़ा मिस नजमा करे, मिस नजमा भी समझायो। उन्होंने उसे किताबें दी, खिलौने दिए, अच्छा माहौल मिला, अब अलीरज़ा बेहतर है। अलीरज़ा पढ़ घर में लिख दो खुशी थी, पान भी पढ़े तो भेड़न के भी पढ़ाए तो। मां पे तो पान से वायदो किया तो मां आइदा स्कूल में घुसाई दूं, ए रोज ही दूं, मां कुछ पढ़ी करे थी ता के दिखाई दूं। ये वाहिद एक प्रोजेक्ट था जिसमें हर कंपोनेंट को हम देखते थे, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो टीचर हायरिंग हो, चाहे वो मटेरियल प्रोवाइडिंग हो, चाहे वो TLM की किट्स वगैरह प्रोवाइड करनी हो, तो इस वजह से कम्युनिटी भी इसी को कोशिश कर रही है और चाह रही है कि ये सेटअप जितना हो सके ज़्यादा स्कूलों में लगे। टीचर्स विदाउट फ्रंटियर्स या उस्ताद तहत एक ख्वाब था और मेरा एक बहुत पुराना ख्वाब था और उसमें मैंने सोचा कि अगर हम ऐसे टीचर्स को ढूंढें जिनकी बहुत ज़रूरतें हैं अपनी पेशावराना सलाहियतों को बेहतर करने की, तो अगर हम ढूंढें और उनको हम टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से, जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत आम है, तो हमने उसमें टैबलेट्स का इस्तेमाल किया और हमने एक ओपन कॉल दी टीचर्स को कि आप लोग आइए और जो आप में से सपोर्ट करना चाहता है अपनी पेशावराना सलाहियत को, तो आप हमारे साथ चलें और हम आपको एक बिल्कुल एक नए जदीद तरीके की तरफ लेकर जाएंगे। इदारा तालीम व आगाही ने एक टीचर्स रिसोर्स सेंटर बनाया है जहाँ पे टीचर आकर आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टडी करते हैं, नई चीज़ें वहाँ पे सीखते हैं। काफ़ी ट्रेनिंगें हुई हैं इसमें, हब में, कराची में एज ए मास्टर ट्रेनर भी वहाँ पे हमने सर किए हैं, बाकी वो कराची से होके यहाँ पे आ गए एज ए मास्टर ट्रेनर, उन जो हमारे टीचर्स हैं इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाकी यही जो टीचर फर्दर इन जो अपने जो स्कूल के जो है टीचर हैं इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई टीचर्स को जब हमने ट्रेनिंग कराई तो उन्होंने एक नई महारत सीखी कि TWF वाहिद वो कंपोनेंट है जिन्होंने हमें इतना अवेयर किया कि जो हम बरसा बरस कभी भी टैबलेट यूज़ नहीं किया, कभी भी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, अब हमने खुद भी चलाना सीख लिया है और अब क्लास में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तो पूरा पाकिस्तान के जो टीचर्स है एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और इनोवेशन एक जिद्दत भी आ रही है टीचर को, जैसे कि मैं खुद कहूँ कि भाई मेरा ये काम भाई वहाँ भी हो रहा है, अब मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। आइडिया यही है कि हम लोग जो काम करें वो बहुत दूर तक जाए और बहुत लोगों तक वो पहुँचे, ताकि वो रसाई सिर्फ हमारी किसी प्रोजेक्ट की ना हो, एक इदारे की ना हो, मगर पाकिस्तान के तमाम शहरियों की हो। अभी पकड़ा है मसंद को,
आस्ता आस्ता चले तो कट जाएगा सफर आस्ता, ये सफर है ओखा, आस्ता आस्ता चल के इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाए। मां वडो थी करे सिंगर थी दूं, मां वडी थी टीचर सिंदस, असा वडा थी करे डॉक्टर थींदा दे, ऐं पाड़े वारनि जो बि मुक्त इलाज कंदा दे, ऐं पंहिंजे घोट जो बि मुक्त इलाज कंदा, ऐं अहिड़ो अहिड़ो स्कूल असां ॿियो बि जीअं बि ठहंदासीं स्कूल। त इहे तालीम ई आहे जो इंसान को एक दिन डॉक्टर बनाती है, सहूर देती है, तो हमारे बच्चे भी अल्लाह करेंगे एक दिन डॉक्टर बनेंगे। चलो अड़ो।